हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन, यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये महीना यानी कि मई 2021 कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, और देखते हैं क्या है। पहले हम आपके लव लाइफ की बात कर लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट योर करियर। डेविल पाइसेस, मे बी देयर इज समबडी, देयर इज अ डेविल एनर्जी आपके अराउंड। मे बी समबडी वांट्स टू कम। आप मेरी कलेक्टिव रीडिंग जरूर देखिएगा, मे बी हो सकता है उसमें भी आपको कोई मैसेज मिले। सो यस, देयर इज डेविल एनर्जी आई एम सेंसिंग एंड समबडी वांट्स टू कम बैक टूवर्ड्स यू एंड Let's find out. Pisces. Okay, Pisces, change. मे बी हो सकता है यू आर लाइक, जैसे कहते हैं यू आर लाइक वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्क इन योर लाइफ। आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट? एंड देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड लॉट ऑफ न्यू ऑप्शंस। अगर हम लव लाइफ की बात भी करें तो हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ न्यू ऑप्शंस फॉर यू, राइट? एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स यू आर मूविंग अहेड, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर विक्ट्री सक्सेस। हो सकता है आप कोई ऐसा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग, राइट, विद द हाई प्रीस्टेस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? स्लोली एंड स्टेडली आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ मे बी हो सकता है देयर इज समबडी फ्रॉम लाइक, हो सकता है कोई आपकी तरफ आना चाहता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन इज वेरी स्लो, राइट? एंड मे बी एन अर्थ साइन, और मे बी हो सकता है दे आर वेरी स्लो एंड दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। दे वॉन्ट लाइक, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं आप इन लाइक इस पर्सन के साथ, लाइक चीज़ें लाइक बहुत स्लो थी इन द पास्ट, आगे नहीं बढ़ रही एंड यू वर वेरी ब्रोकन हार्टेड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, राइट? कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था इस रिलेशनशिप में। येस, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत स्लो है एंड यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स। मे बी हो सकता है दिस पर्सन वॉज वेरी कनिंग, और मे बी हो सकता है दिस पर्सन वॉज वेरी मैन्यूपुलेटिव, राइट? और बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे, या हो सकता है कि विद द फोर ऑफ कप्स को यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहा था, राइट? एंड दे लाइक आपको लाइक बहुत ज़्यादा लाइक वेटिंग एनर्जी में ये रख रहे थे पर्सन, राइट? लॉट ऑफ वेटिंग गेम, राइट? और अभी भी मुझे ऐसा सेंस हो रहा है लाइक समबडी वॉन्ट्स, बट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, राइट? मे बी हो सकता है नाउ यू आर रेडी टू कट द टाइज। आप रेडी हैं बिकॉज यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस, राइट? सो यू आर रेडी टू कट द टाइज बिकॉज यू आर ब्रोकन हार्टेड, बिकॉज ऑफ आप इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड थे, राइट? बिकॉज उन्होंने आपको क्रॉस रोड्स पे रखा हुआ था। सो दिस पर्सन वॉज लाइक, यस, हो सकता है आप लोगों का थर्ड पार्टी की वजह से कुछ झगड़ा हुआ हो या कुछ किसी ने, यस, बहुत ज़्यादा मुझे सेंस हो रही है लाइक, हो सकता है आपको ना पता हो, बट यस दिस पर्सन वॉज कीपिंग यू इन थर्ड पार्टी। यस, देयर वॉज लाइक कोई था, राइट? मे बी थर्ड पार्टी, अगर हम किसी पर्सन की बात ना करें तो हो सकता है कि ड्यू टू सम इश्यूज, मे बी फैमिली इश्यूज, मे बी वर्क इश्यूज, कुछ था ऐसा जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, राइट? थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, टू एंड टू यू आर लाइक मूविंग अहेड एंड यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ। एंड मे बी हो सकता है ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हो, मे बी हो सकता है, बट वेरी स्लो मूविंग एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरह लाइक बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं, राइट, विद दिस पर्सन। एंड नाउ यू आर लाइक, आप रेडी हैं, यू लाइक यू आर नॉट वेटिंग फॉर दिस पर्सन एनी मोर। नाउ अगर हम आप लाइक काम की भी बात करें, येस यू आर लाइक विक्ट्री की तरफ, सक्सेस की तरफ आप पढ़ रहे हैं, आप एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट? हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आप थोड़े से डाइसी हैं, आपको समझ नहीं आ रही, या हो सकता है कि कभी कभी इन बिटवीन यू फील लाइक लिटिल लाइक ब्रोकन हार्टेड कि क्या करें क्या नहीं करें, बट
उसमें से बाहर निकल के यू आर लाइक अगेन यू फील लाइक रेडी टू फाइट, यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस, हो सकता है किसी चीज़ का नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, स्लोली स्टडली आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं. विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स यस ग्रोथ सक्सेस. देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स राइट, सो विक्ट्री, इट्स अबाउट लाइक एक्सेप्शनली गुड, यू आर लाइक एक्सपैंडिंग. हो सकता है आप ओवरसीज कनेक्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है आप ओवरसीज अपने काम को एक्सपैंड करने की कोशिश करें राइट, और हो सकता है कि आप लाइक यस यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल. अगर आप किसी चीज़ का वेट करें, वी हैव लॉट ऑफ 2, 2, 3, 3 राइट, सो सिंक्रोनिसिटी देखते होंगे और आप यस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा, विद हाई प्रीस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून लाइक थिंग्स आर, आप हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो सकता है आप लाइक चीज़ें आपके फेवर में बदल रही हैं. सो डोंट फील ब्रोकन हार्टेड राइट, एंड हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़े यहाँ पे, या मे भी हो सकता है यू आर स्टिल थोड़े से कन्फ्यूज है किसी चीज़ को लेके, कन्फ्यूज फील कर सकते हैं कि क्या करें क्या नहीं कर रहे राइट, एंड दे मे भी हो सकता है आपकी तरफ कोई ऑफर हो और आपको समझ ना आ रही हो कि क्या करें. लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द पाइसेस पीपल. क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल अवर पाइसेस पीपल फॉर देयर लव लाइफ एंड करियर. ओके, थ्री ऑफ सॉरी वी हैव एम्प्रेस. आप यू आर लाइक एन एम्प्रेस, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं. मे बी ट्रैवल इज ऑल्सो इंडिकेटेड, गोइंग विद द फ्लो. येस यू आर गोइंग विद द फ्लो. ट्रैवल से मेरा मतलब है ज़रूरी नहीं कि लाइक यू आर ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, बट येस यू आर गोइंग टू प्लेसेस. आप एक जगह ही लाइक आप यू आर सिटिंग लाइक एट वन प्लेस एंड यू आर लाइक डूइंग ग्रेट वर्क, आप एक्सपैंड कर रहे हैं राइट, सो इट्स ऑल अबाउट दैट. और चीज़ें आपकी तरफ लाइक आ रही हैं, यू हैव वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने बहुत वेट किया, आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया, एंड इट विल इवेंचुअली लाइक आपको आगे की तरफ लेके जाएगा राइट. और बस अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, मे बी हो सकता है कोई चीज़ है जिसका आप बर्डन ले रहे हैं, सो बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. एम्प्रेस यू आर अ बॉर्न लाइक एम्प्रेस यू आर, सो ग्रोथ फर्टिलिटी फर्टाइल, इट्स ऑल अबाउट फर्टिलिटी राइट. आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं. बी वेयर ऑफ पीपल, थोड़ा सा लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको. हो सकता है आपके लोग, कुछ लोग हों जो आपको बॉदर करते हों या आपको कैरी अवे करते हों, तो उसमें से आपको बचने की ज़रूरत है. अदरवाइज यू आर डूइंग गुड, जस्ट कीप ऑन डूइंग. एंड प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर रखिए, पॉजिटिव रखिए. ये जो इतना कुछ आपके माइंड में चल रहा है उसको निकाल दीजिए. मे भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला कि आपको लोग शायद बॉदर करते हैं, बट आपने अपने काम पे फोकस करना है. मे भी आप यू आर अ मदर, या मे भी हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू पाइसेस पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक प्रेगनेंसी इज ऑल्सो रिलेटेड लाइक फॉर सम ऑफ यू. मे बी हो सकता है यू माइट गेट प्रेगनेंट, अगर आप मैरिड हैं तो कुछ है ऐसा राइट. बट द थिंग इज आपने किसी चीज़ पे हार्ड वर्क किया है एंड इट्स ग्रोइंग, इट्स लाइक आगे चल के आपको लाइक बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा. ग्रो यू लाइक यू विल ग्रो राइट. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पाइसेस पीपल. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.